अगर आप शब्दों पे ध्यान दो इनके सभी तो ऐसे हैं कि ऐसे भी एक गीत ऐसे भी है, ये शार देवा अज्ञानता से हमें तार देवा। तारने का मतलब कि टेक ऑन द अदर साइड, इफ देयर इज अज्ञानता इधर है तो दूसरी साइड क्या है, ज्ञान है। तो स्कूल इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग। स्कूल कौन सी जगह है जहाँ पे हम ज्ञान लेने आते हैं, और ज्ञान किससे लेते हैं, गुरुओं से। और गुरु का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में देखें गुरु मतलब होता है बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। और आपने वो भी सुना होगा साइंस में गुरुत्वाकर्षण सुना है ना, तो गुरु में वो शक्ति होती है कि जो आपको अपने ज्ञान की वजह से अपनी तरफ खींचता है। तो यानी जो बड़ी चीज होगी वो छोटी को अपनी ओर लेके आएगी ना। तो आज अगर आप इस प्रतिमा को ध्यान से देखेंगे तो इनके फोर हैंड्स हैं, फोर हैंड्स में अलग अलग चीजें हैं एंड दे आर वेरी सिंबॉलिक। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्या क्या है उनके हाथ में बताइए। एक में वीणा है, तो वीणा जो ये म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इनको सबको बताती है। जैसे कहते हैं ना उसकी वाणी पे तो सरस्वती है, यानी कि जिसकी वाणी अच्छी है, यानी गीत संगीत नृत्य ये सब क्या है, ये सरस्वती के ही एक तरह से प्रतिभाएं हैं, उनके गुण हैं। तो अगर हमें ये चीज़ों में कुछ करना है तो हमें उनकी एक तरह से उनको मानना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। एक हाथ में उनकी पुस्तक है। पुस्तक का मतलब क्या होता है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगी। और वो जो नॉलेज हमेशा नॉलेज हम क्या मानते हैं, नॉलेज इज लाइट, लाइट मानते ना। इग्नोरेंस को किस कलर से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, आप वो जो पढ़ते हो तमसोमा ज्योतिर्गमय पढ़ते हो, बोलते हो ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तम, तमस तम क्या होता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय क्या मीनिंग है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तम, तम नहीं पता तुम्हें, तमोगुण सतोगुण एक दिन मैंने समझाया था खाने के लिए भी, हाँ क्या होता है तम का मतलब था अंधेरा। तो व्हाट डू वी प्रे कि हमें अंधेरे से किस तरफ ले जाना है, हम क्या प्रे कर रहे हैं गॉड से, सन से, उस वो सन से है, तो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो हम ये प्रे करते हैं हर दिन की टेक अस टू लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। तो डार्कनेस इज इग्नोरेंस, और जो ब्लैक कलर को हम क्या मानते हैं, इट इज द सिंबल ऑफ सैडनेस, सोरो कहते हैं ना, सौरव होता है ना। तो हमें क्या करना है कि हम जब पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातें तो हम वी विल मूव टुवर्ड्स नॉलेज लर्निंग, तो वी विल गेट लाइट ऑफ लर्निंग। तो इन स्कूल वी हैव टू टेक केयर दैट वी कम एंड वी लर्न द गुड थिंग्स सो दैट वी आर टुवर्ड्स द लाइट ऑफ लर्निंग, नॉट टुवर्ड्स डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स नेगेटिव साइड है ना, वेयर इफ देयर इज नो सन व्हाट विल हैपन, सपोज If there is no light, no plant will grow. Plants will grow in absence of sunlight. If there are no plants, then what will happen? There will be no food for us. No food for animals. We get so many things from nature. We get everything from nature. So we have to take care that we get knowledge. We do not move towards ignorance. Our efforts from the morning till night, it must be that we learn something that enlighten us. इसीलिए तो बोला जाता है ना enlighten करना। Enlighten करना हम कहते हैं कि darken me, मुझे अंधेरे अंधेरा भर दो मेरे अंदर, ऐसे बोलते हैं क्या, तो कहते हैं enlighten करो। तो the your teachers enlighten you, तो you have to respect your teachers. And there is a one माला है शायद उनके हाथ है ना, माला है ना ऐसे, तो it just shows that we have to unite everything, we cannot do anything in segregation. Usme there are so many beads in that and there is a thread that unites it, and the color of her dress is white and there is some golden border like this. There is one Saraswati that is in green sari. So white sari is for the learning, for the knowledge, and green is the special form that is supposed to be worshipped if you are pursuing fine arts, music like this. So there are from the white color, what is the symbol, what is the symbolic meaning of white color, what does it mean white color,
लर्निंग, नॉलेज, पीस ऑल्सो, है ना, पीस ऑल्सो इट इज इन आर फ्लैग ऑल्सो, इन आर इंडियन फ्लैग ऑल्सो देयर इज व्हाइट कलर. यू मस्ट हैव रेड दैट व्हाट इज द पर्पस हैविंग दैट दिस व्हाइट कलर. एंड द कलर ऑफ लाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट, what is the color of light? White. It has so many other colors, but the means the final color is white. So white is having very deep meaning. The white saree means white dress means it is pure, purity. White color shows the purity also. Okay. So you have to be like this. So when we are pure, when we are having respect for our teacher, only then we can take knowledge from the guru. So you have to learn simple things. Every activity in the school has a meaning. You must learn anything. You must have that respect. You have to surrender to your guru. We cannot take anything if we feel that I am higher and I am more knowledgeable like this. So to take something from anyone, we have to feel that the person in front of us is more knowledgeable. He is greater than us. Only then we can take. It can be in one area or the other area. Suppose you are learning music. You are going to a teacher. So if you feel that he doesn't know anything, she doesn't know anything, you cannot learn. If he or she knows more than you, only then you are going to the person. So it means that person is your guru. So first of all, we have to surrender. We have to accept that we do not know and the other person knows. He has something more than us, that's why we are going to the person. So that's why the person is called guru. Both he is big in that area. He is great. So guru ka matlab hi hota, so then we must have respect for that person. If we have respect, then guru will bless you. That's why you must respect your teachers. And if you want to take more and more from them, it is said that there is they are the ocean of knowledge. So what is the size of your bucket? That much knowledge you can take. If you have a small bucket and if you do not have any bucket, then you cannot take anything. But if you go to ocean, so how big is your container? That much amount you will be able to carry. So similarly, so how much respect you give to your teacher, that much knowledge you can get from the teacher. So respect your teachers and have that feeling. That's why you come to school, to take knowledge, to learn. And to learn good habits, good values, good skills, to improve your personality, to become a good person, to become a person full of knowledge, full of humanity. So that's why today is a very special day, and I hope you people will understand and you will try to incorporate or try to imbibe some good values to develop good habits. So you have to learn something good every day. Okay. That will be a true means worship or true devotion to Goddess Saraswati. Thank you, and I hope you must have understood. To have that feeling of acceptance and surrender in your mind, only then you can learn something. So thank you. Have a very happy, nice day and a very good Saraswati Puja. Vasant Panchami also. And Vasant is the best of all the seasons because it is full of flowers, full of food. The temperature is not very high, not very low. So the pleasant weather is there. And birds also, animals also, all the living creatures, all the nature is happy. As if the nature is showing her happiness in the shape of flowers and new leaves are coming on the trees. Vasant Panchami. So we celebrate it in all the parts of our country. So happy Vasant Panchami and happy Saraswati Puja to all of you. May God bless you and have a great day today. Thank you.